आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट एंड नट चॉकलेट। और ये रहा सामान जो हमें चॉकलेट बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए मिल्क कंपाउंड या मिल्क चॉकलेट। ये थोड़ी सी मीठी होती है और ये यूज़ करेंगे हम। तो ये बार है जिसको हमने छोटे टुकड़ों में रफली हमने टुकड़े छोटे छोटे इसके कर लिए हैं और ये तकरीबन आधा किलो है। उसके अलावा हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स। तो ये बादाम है, हमने 15-20 बादाम लिए हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। ऐसे ही हमने काजू लिया है, काजू के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, ये भी 15-20 हैं। और 15-20 हमने किशमिश ली है, इसके भी हमने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। अब सबसे पहले हमने इस चॉकलेट को पिघलाना है। उसके लिए हम इसे एक पतीले में डालेंगे, एक स्टील के पतीले में। इसके बाद इसको एक डबल बॉयलर में हम मेल्ट करेंगे। ये पतीला नीचे जो है ये थोड़ा सा बड़ा है और चॉकलेट वाला पतीला थोड़ा सा छोटा है। तो तकरीबन आधा हमने ये पतीला बड़ा वाला भरा है पानी से और इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल पहले इसको हम गर्म करेंगे पानी को, उसके बाद में चॉकलेट को इसमें रखेंगे। तो गैस ऑन करते हैं। तो पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद में चॉकलेट वाला पतीला इसमें रखेंगे। तो पानी थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो गया, बुलबुले उठने शुरू हो गए, हम चॉकलेट वाले पतीले को इसमें रख देते हैं धीरे से। ध्यान ये रखना है कि चॉकलेट में पानी या उसकी भाप न जाए। और एक पकड़ से इस पतीले को पकड़ेंगे ताकि ये हिले डुले नहीं ज़्यादा। और अब धीरे धीरे चॉकलेट को हम जैसे जैसे ये पिघलनी शुरू होगी, जैसे कि अब हो चुकी है अंदर, आप देख सकते हो कि चॉकलेट पिघलनी शुरू हो गई है। तो इसको हम धीरे धीरे इसको स्टर करेंगे और सारी चॉकलेट जब तक पिघल नहीं जाती इसको हिलाते रहेंगे। गैस अभी फुल पे है और जैसे ही ये थोड़ा सा पानी उबलना शुरू होगा गैस को हम लो पे कर देंगे ताकि पानी बाहर को ना आए। अब चॉकलेट तकरीबन आधी पिघल चुकी है, बस इसको स्टर करते रहें। गैस को आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि चॉकलेट में ना भाप जानी चाहिए ना चॉकलेट में पानी जाना चाहिए, वरना चॉकलेट सीज हो जाएगी और फिर ये बनेगी नहीं। बस चॉकलेट को ध्यान से और लगातार स्टर करते रहें, यही करना है। सारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, गैस को हम करेंगे बंद और चॉकलेट को नीचे उतार देंगे। उसके बाद में इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। तो चॉकलेट में डालते हैं बादाम, काजू और किशमिश। अच्छी तरह से स्टर करेंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से चॉकलेट से कोट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से कोट हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स। अब चॉकलेट को हम मोल्ड्स में डालेंगे। तो हमारे पास ये प्लास्टिक के मोल्ड्स हैं अलग अलग साइजेस की चॉकलेट बनाने के लिए। तो इन मोल्ड्स में हम डालते हैं एक चम्मच से थोड़ी थोड़ी करके चॉकलेट। थोड़ा सा पेशेंस रखें, ध्यान से डालें ताकि चॉकलेट बाहर ना गिरे। और जैसे हम थोड़े से चॉकलेट भर लेंगे मोल्ड्स में, मोल्ड को नीचे टैप करेंगे इस तरह से ताकि कोई एयर उसमें हो तो निकल जाए और चॉकलेट भी लेवल हो जाए। और इसी तरीके से हम सारे मोल्ड्स चॉकलेट से भर लेंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि हमने भर लिए हैं। अब चॉकलेट थोड़ी सी ठंडी हो जाए और थोड़ी सेट हो जाए तो ये सारे मोल्ड्स हम फ्रीज़र में रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद में हमने मोल्ड्स निकाल दिए हैं फ्रीज़र से, चॉकलेट हल्की सेट हो गई है। अब इसको मोल्ड से निकालते हैं, टेबल पे हल्का सा टैप करेंगे इसे इस तरीके से और चॉकलेट को एक बोल में डालते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारी चॉकलेट बोल में डाल दी है। अब चॉकलेट्स को रैप करेंगे। तो ये रैपर हमने लिया है, इसको हमने काट लिया है चॉकलेट के साइज़ के हिसाब से, छोटा या बड़ा। और सिल्वर साइड जो है उसको अंदर रखेंगे। चॉकलेट का जो सीधा साइड है उसको हम सिल्वर साइड में रखेंगे, ऐसे उल्टे करके रखेंगे। और फिर चॉकलेट का रैपर को हम रैप करते जाएंगे इस तरीके से। और पूरा रैप करने के बाद में इसको उल्टा करके हम स्मूथ आउट कर देंगे। तो इस तरीके से इसको दबा देंगे और फिर इसको
बोल में रख देंगे और इसी तरह से हम सारी चॉकलेट्स को रैप कर देते हैं। तो ये हमने सारी चॉकलेट्स रैप कर दी हैं, छोटी बड़ी अलग अलग साइज़ की चॉकलेट हैं, काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। ये गिफ्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी हैं, अगर आप चॉकलेट गिफ्ट करना चाहते हैं तो गिफ्ट रैप में इसको पैक कर सकते हैं और इसको ऊपर से टाई करके आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी क्रूटन एंड चॉकलेट की, इसे ज़रूर बनाएं, हमें बताएं कि आपको ये चॉकलेट कैसे लगी, हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शीघ्र मिलेंगे एक नई रेसिपी और एक नई डिश के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।